तो एक्सपायरी के दिन बाजार में हमने देखा कि एक शानदार तेजी रही। निफ्टी 121 अंक की मजबूती के साथ 17,536 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 450 अंकों से ज्यादा की मजबूती रही। लेकिन पूरे दिन किस तरह का कारोबार रहा और कहां सबसे ज्यादा एक्शन था, बताने के लिए जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में आज काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला और हर निशान में क्लोजिंग देखने में कामयाब रहे हम, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ही। और जिसमें की जो मजबूती थी वो आज रिलायंस से काफी ज्यादा देखने को मिली। 6% की तेजी आज रिलायंस में देखी गई। इसके अलावा निफ्टी में 120 अंक और सेंसेक्स में भी करीब 450 अंकों से ज्यादा की मजबूती हुई। बैंक निफ्टी दिन भर लाल निशान में ही था, उलट ही बाजार के कारोबार कर रहा था, लेकिन आखिरी कुछ घंटों में हमने देखा कि वहां पर भी अच्छी रिकवरी हुई। और निचले स्तरों से अगर बात करेंगे तो 250 अंकों की रिकवरी हमने बैंक निफ्टी में भी देखी। आज सहारा मिला है एनर्जी, रियल्टी और हेल्थ केयर शेयरों से। वहीं सरकारी बैंक और कुछ चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स थे जो कि आज बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे थे। लेकिन अगर इस पूरे सीरीज का हम प्रदर्शन देखेंगे तो मार्च 2021 से लेकर अब तक देखें तो नवंबर सीरीज का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। अब बात करते हैं निफ्टी के चढ़ने वाले शेयरों में, तो आज रिलायंस में काफ़ी अच्छा ट्रेंड देखने को मिला और बाजार की तेजी को लीड भी किया इस स्टॉक ने। इसके बाद डिवीज लैब, ITC, इंफोसिस और टेक महिंद्रा के शेयरों में अच्छी मजबूती थी। गिरने वाले शेयरों में IOC आज कमजोर था, मारुति, ICICI, ब्रिटानिया, इंडसइंड, यहाँ पर भी आज कमजोरी देखने को मिली। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप IT स्टॉक्स में भी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। इसमें HCL इन्फो, NIIT, इन्फीबीम और तानला सॉल्यूशंस में आज अच्छी तेजी थी। आज रियल्टी स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। प्रेस्टीज एस्टेट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, फीनिक्स मिल्स और DLFE भी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। और फार्मा स्टॉक्स में भी आज काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। इसमें GSK फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल्स, टोरेंट फार्मा, डिवीज लैब, ये कुछ फार्मा और हेल्थ केयर सेगमेंट के स्टॉक्स थे जहां पर कि आज काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। तो काफी सारे शेयर थे जिन्होंने सपोर्ट किया बाजार को आज। लेकिन एक खबर जो पिछले कई दिनों से बाजार को परेशान कर रही है वो है FIIs की बिकवाली। लगातार बिकवाली पर हमने ईटीना स्वदेश पर बाजार के दिग्गजों से जानकारी ली और उन्होंने कहा कि दिसंबर तक शायद ये बिकवाली जारी रह सकती है, लेकिन जनवरी से फिर से बाजार में रौनक लौट आएगी। रिटेल इन्वेस्टर्स बी कॉशियस है, मगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIIs, फंड मैनेजर्स जो है, स्पेशली फॉरेन फंड मैनेजर्स, ये आजकल ऑल्टरनेटिव मार्केट्स की तैयारी कर रहे हैं। लैटिन अमेरिका में आप अर्जेंटीनिया देखें या तो ब्राजील देखें तो इसमें काफ़ी अपसाइड पोटेंशियल है इन कमोडिटीज। अगर आप चाइना में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ काफ़ी अपसाइड है बिकॉज ऑफ इवैल्यूएशन। तो ये स्टेबलाइजेशन हमारे हिसाब से शायद दिसंबर या तो जैन में हो सकता है, तब तक थोड़े सेल आउट पोजीशंस ऑनगोइंग होंगे, जाहिर रहेंगे। इंडिया का अगर आप प्रीमियम देखते हैं वैल्यूएशन पे 10 साल का एवरेज वर्सेस इमर्जिंग मार्केट MSCI, नॉर्मली 50 से 45 के बीच होता है, अभी वो 80 से 90 तक के बीच में चला गया है। सो क्वाइट नेचुरल है कि सम पैसे का मूवमेंट होगा। इंडिया जहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और बाकी मार्केट जहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ा सा लैकलस्टर रहा है, सम इंस्टीट्यूशंस विल डेफिनेटली मूव अराउंड सम मनी हियर एंड देयर, राइट। सेकेंड, जैसे कि आपने कहा कि नवंबर दिसंबर है जहाँ पे एक्टिविटी थोड़ा कम हो जाता है, पीपल ट्राई टू क्लोज देयर बुक्स, जबकि पूरे साल का रिटर्न इतना अच्छा रहा है तो एक्स्ट्रा रिस्क लेने का उनको जरूरत नहीं लगता है, तो वो एंगल से भी थोड़ा सा पैसे में मूवमेंट हो सकता है। इस बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने जो पैसे मार्केट से निकाले हैं वो एक्चुअली उन्होंने नई कंपनीज में या फिर कंपनीज में फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स में डाले हुए हैं। तो आप अगर NSDL के साइट पे देखते हैं जहाँ पे उनका ओवरऑल अगर आप इन्वेस्टमेंट लिमिट्स और इन्वेस्टमेंट लेवल्स आप देखें तो आपको नज़र आता है कि उन्होंने 17,000 करोड़ एक्चुअली जो सेलिंग हुई है वो 17,000 करोड़ नवम्बर में हुई है, लेकिन एक्चुअली 27,000 करोड़ की उन्होंने खरीदी की है IPO और प्राइमरी मार्केट में। सो एक्चुअली नेट पॉजिटिव हैं अगर आप देखें नवंबर की तारीख, नवंबर के मंथ में, और पूरे जो कैलेंडर ईयर 2021 है उसमें भी पॉजिटिव हैं और डेट में भी पॉजिटिव है, जहाँ पे वो सिर्फ इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट करते हैं, वो डेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। जो FIIs आउटफ्लोज आपको देख रहे हैं टुवर्ड्स अदर मार्केट्स या इवन टुवर्ड्स डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स, ये कुछ हफ्तों का एक फिनोमेना हो सकता है, बट द बाइंग शुड कम बैक बिकॉज इंडिया इन आवर ओपिनियन स्टिल रिमेन्स द बेस्ट प्लेस्ड मार्केट ऑन अ होल होस्ट ऑफ पैरामीटर्स।
ओके तो वो है नज़रिया हमारे मेहमानों का जो बता रहे हैं कि एफआईआईज की जो सेलिंग है वो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। इनफैक्ट एक एक्सपर्ट तो ये भी बता रहे थे कि नेट बायर्स ही रहे हैं क्योंकि पैसा निकला है अगर इक्विटी से तो वो आईपीओ मार्केट में गया है और वहाँ पर जो है एफआईआईज खरीदारी कर रहे हैं। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ आज के जुड़ गए हैं, रवि सिंह और देवांग शाह, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। उन्हीं से करते हैं चर्चा की शुरुआत। देवांग, एक्सपायरी तो हो गई 17,500 के ऊपर ही हुई, अगले सीरीज के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए यहाँ से आगे? ओवरऑल मैंने मार्केट देखा है, करेक्शन देखा, बट यस आज हमने एक बाउंस बैक देखा है मार्केट में, बट यहाँ पे कॉशियस रहने की जरूरत है बिकॉज ओवरऑल जो रेजिस्टेंस की बात करें निफ्टी की, 17,600-650 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। प्रीवियस भी हमने देखा कि यही लेवल से वापस हमें करेक्शन देखने मिला है, हायर लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। सो 17,600-17,650 के ऊपर जब मार्केट जाता है तभी हमें देखना चाहिए बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। सपोर्ट की बात करें, इमीडिएट सपोर्ट जोन है निफ्टी का, वो 17,400 का है। ओके, 17,400 का सपोर्ट दिखाई देता है। रवि, रिलायंस एक ऐसा शेयर था आज जिसने अकेले दम पर बाजार को संभाल लिया, आपको लगता है कि ये वन ऑफ रैली है रिलायंस में, ये आगे भी ऐसा सपोर्ट कर पाएगा मार्केट को या फिर कंटिन्यू रहेगी ये तेजी अगले कुछ दिनों तक? देखिए, जब तक अभी मार्केट फिलहाल पूरे सेक्टर स्पेसिफिक देखें, जो आज जिस तरीके से बाइंग देखने को मिली है, आईटी से स्टार्ट होती हुई बाइंग जो है वो स्मॉल कैप और मिड कैप तक गई है, बीच में आपके मेटल है, पीएसयूज हैं या फिर पावर रियल्टी और एनर्जी, खासतौर से एनर्जी पैक में इसलिए तेजी भी देखने को मिल रही है क्योंकि आगे 2030 तक ये अनुमान लगाया गया है कि आने वाले जो यूजेस है एनर्जी के वो लगभग डबल हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं से एक एनर्जी सेक्टर को और पावर सेक्टर को एक बूस्ट इससे जरूर मिल रहा है। दूसरी तरफ है पर्टिकुलर अगर रिलायंस की बात करें तो देखिए, रिलायंस जब भी 2300 और 2350 के बीच में आता है तब इन्वेस्टर के लिए काफी अट्रैक्टिव हो जाता है और इस लेवल पर एक बहुत तेजी से बाइंग आपको मोमेंटम देखने को मिलता है क्योंकि फ्रेश इन्वेस्टमेंट यहां पर बहुत तेजी से आता है और नए इन्वेस्टर के लिए भी अट्रैक्टिव हो जाता है। तो रिजल्ट्स अच्छे शो किए हैं, फंडामेंटल स्ट्रांग रहे हैं, आगे का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है कि जो अभी का मोमेंटम है उसमें रिलायंस का पार्टिसिपेशन अभी बढ़ेगा। 2600 तक का यानी 2600 तक के रिलायंस के लेवल आपको जाते हुए नजर आ सकते हैं मार्केट, लेकिन थोड़ा सा जो है वो परफॉर्मेंस यहाँ पर जो एक मिडिल एज की देखने को मिलेगी, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का जोन अभी बाकी है। ओके, तो रिलायंस में हालांकि उम्मीद की जा सकती है कि 2600 तक के लेवल आए, लेकिन मार्केट अभी भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन कह लीजिए उस मोड में रहेगा। चलिए एक सेक्टर की और बात करते हैं, वो है बैंकिंग। छोटे बैंकों में बड़े बैंकों के मुकाबले खरीदारी का बेहतर मौका दिखाई दे रहा है, क्या डिटेल्स हैं बताने के लिए हमारे सहयोगी डिम्पी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डिम्पी, बताइए। कुछ तो सरकार भी मेहनत कर रही है और कुछ छोटे बैंक भी अपने आप में दम लगा रहे हैं ताकि अपनी स्थिति को, अपनी बैलेंस शीट्स को ठीक किया जाए। मैं 3-4 पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, इससे आपको ये तय हो जाएगा कि जो छोटे बैंक्स हैं वो बड़े बैंक्स के मुकाबले से में ज़्यादा फेवरेबल हैं, ज़्यादा बेहतर हैं। पहला पॉइंट, वो अपनी असेट क्वालिटी में जो स्ट्रेस है उसको सुधार रहे हैं और वहाँ पर अब हमने देखा है कि अब ज़्यादा तनाव और ज़्यादा बैलेंस शीट्स में स्ट्रेस नहीं है। दूसरा, स्लिपेजेस, यानी कि कौन कौन से लोन्स आपके फंस जाते हैं, वो लोन्स की तादाद वो भी कम हुई है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिकवरी रेट वो भी काफ़ी बेहतर है। आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश के वित्त मंत्री ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि उनको सरकारी बैंकों को बहुत अच्छा लगा देख के, उनकी रिकवरी प्रोसेस देख के अच्छी लगी और उन्होंने बाकायदा उनको शाबाशी भी दी इन्हीं सरकारी बैंकों को। इसमें छोटे सरकारी बैंक ज़्यादा वैल्यूएशन के हिसाब से ज़्यादा बेहतर हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एसएमई और रिटेल सेगमेंट से उनको लगातार सहारा मिल रहा है और बैंक की कमेंट्री भी पॉजिटिव आ रही है। बैंक अपना जो फ्यूचर गाइडेंस दे रहा है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव दे रहा है। एक और चीज़ है जो वैल्यूएशन के मामले पर देखी जाती है या फिर रेगुलेशन के तौर पर देखी जाती है, वो है पीसीए, जिसको हम करेक्टिव एक्शंस बोलते हैं। ज़्यादातर छोटे बैंक अब पीसीए की लिस्ट से बाहर जा चुके हैं और बाजार के एनालिस्ट उसकी वैल्यूएशन को बहुत अच्छा बनाते हैं। अनु, ये दो चीज़ होती है मार्केट के अंदर, पहला कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं और अपनी दिक्कतों को कैसे दूर कर रहे हैं। मैं दो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर रखूंगा। पहला, एडवांस के नंबर जो आते हैं, यानी कि आप
लोन कितना स्पीड से बांट रहे हैं, 7% सिटी यूनियन, फेडरल बैंक में 10%, CSB में 12%, करूर व्यासा जैसा 7% अपने एडवांस ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है। ये तो ग्रोथ के आंकड़े हैं। अपनी दिक्कतें, बैंक की सबसे बड़ी दिक्कत होती है NPA, उसको कैसे खत्म कर रहा है, दो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एक होगा पिछले 6 महीने के अंदर या पिछले 1 साल के अंदर, Q1 Q2 हमने आपके स्क्रीन पर डाला हुआ है, आप देखिएगा जो Q2 है और Q1 है उसमें हमेशा आपको सुधार ही दिखेगा, यानी कि हर बार जो नया क्वार्टर आपको दिख रहा है उसके अंदर आपको आंकड़ों में सुधार दिखेगा, जैसे कि ग्रॉस NPA सिटी यूनियन बैंक के कम हुए, फेडरल बैंक के कम हुए हैं, CSB के कम हुए हैं, DCB के कम हुए हैं, यूको बैंक के कम हुए हैं। ये अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, Q1 से Q2 कंपेयर करेंगे तो Q2 वाले नंबर हमेशा आपको छोटा दिखेगा, यानी कि आने वाले क्वार्टर्स में और सुधार दिखेगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि छोटे बैंक्स में ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा ग्रोथ है। ये बैलेंस शीट फैक्ट्स एंड फिगर के जरिए हमने आपके सामने बात रखी। बिल्कुल रवि, आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि अगर बैंकिंग में एक्सपोजर है किसी का तो वो जो बड़े प्लेयर्स हैं वहां से बाहर निकल के अब छोटे प्लेयर्स की तरफ जाना चाहिए, जैसा डिम्पी एनालिसिस कर रहे थे कि NPAs बेटर हो रहे हैं, एडवांसेस बेटर हो रहे हैं, तो जनरली जिसके पास बैंकिंग शेयर्स होते हैं वो ICICI, HDFC बैंक जैसे पर, SBI पर तो फोकस करता ही है, पर शायद अब वक्त आ गया है कि सिटी यूनियन बैंक, करूर वैश्या बैंक, इन छोटे बैंकों पर फोकस करना चाहिए। देखिए बहुत अच्छा एनालिसिस यहाँ पर डीपी जी ने निकाला है, मैं उसमें थोड़ी सी कुछ पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। देखिए पहला पॉइंट ये है कि जो HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, इंडसइंड बैंक है, इनकी वोलेटिलिटी बहुत हाई है और प्राइसेस ज्यादा है। अब जो मार्केट का जो सिनेरियो है इसमें छोटे रेट, यानी कि जो स्टॉक 50 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए के बीच में है, वो स्मॉल कैप और छोटे रिटेलर को काफी अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से भी यहां पर पार्टिसिपेशन एक बढ़ा है। दूसरा, यहां पर आप बिल्कुल है कि बुक्स अच्छी है, नंबर्स अच्छे हैं, NPA कम हो रहे हैं और कहीं ना कहीं से अब इन्वेस्टर को भी ये कॉन्फिडेंस है कि कोई भी छोटा बैंक डूबेगा नहीं, या तो वो बड़े बैंक यानी SBI जैसे बैंक के साथ में मर्ज हो जाएगा या फिर सरकार इस बात का ध्यान रखेगी, RBI इस बात का ध्यान रखेगा। तो ये एक बहुत जरूरी ऐसा स्टेप है जिसकी वजह से यहां पर कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा है और इसी कॉन्फिडेंस को अगर आप देखें तो वो ट्रेडिंग में कन्वर्ट हुआ, यानी वॉल्यूम यहां पर बढ़े हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत क्लियर यहाँ पर जो छोटे बैंक्स हैं और जो थोड़े बहुत अपने NPO को कंट्रोल कर रहे हैं और साथ ही ग्रोथ दिखा रहे हैं, नंबर सबके अच्छे देखने को मिले, इसी वजह से यहाँ पर स्मॉल बैंक अब कहीं ना कहीं से रिटेलर के फेवरेट होते जा रहे हैं। बिल्कुल देवांग, आपकी कोई पिक होगी जिस छोटे बैंकों का पूरा सेगमेंट है उसमें से, अगर किसी को कुछ नया निवेश करना हो तो कहाँ पर कर सकते हैं? जी, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो हमें लगता है कि जो लार्ज कैप बैंक है उसमें फोकस रखते हैं दिस पर्टिकुलर मार्केट, लाइक SBI। SBI में हमने देखा है कि ओवरऑल जो सपोर्ट है डबल बॉटम फॉर्मेशन चार्ट पे किया और वहीं पे ही सपोर्ट लेके वापस एक अपसाइड रिज्यूम किया है, तो SBI पे फोकस रखना चाहिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए 480 का, 510 का टारगेट के साथ। ओके, तो बड़े बैंक के साथ ही जाना चाहेंगे आप, SBI पर फोकस रख सकते हैं फिलहाल, वहां पर बेटर रिटर्न्स की उम्मीद की जा सकती है। चलिए कल की कुछ बड़ी खबरों पर फोकस करते हैं। टार्सन प्रोडक्ट्स की कल शेयर बाजार में लिस्टिंग होगी। ये इश्यू 15 नवंबर को खुला था और 17 तारीख को बंद हुआ था। इसका प्राइस बैंड 635 रुपये से 662 रुपये के बीच था। टार्सन प्रोडक्ट्स का IPO 77 गुना भरा था और कंपनी ने इस इश्यू के जरिए 1024 करोड़ रुपये जुटाए हैं। टेलीकॉम सेक्टर से बड़ी जुड़ी एक बड़ी खबर भी है कल के लिए। एयरटेल यूजर्स को अब कल से ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दरअसल कल से एयरटेल के टैरिफ प्लान्स की कीमत बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि कंपनी ने सोमवार को प्रीपेड प्लान्स का टैरिफ जो है वो 25% तक बढ़ाने का ऐलान किया था। तो ये दो बड़ी खबरें जहां फोकस रहेगा कल बाजार का, टार्सन के की लिस्टिंग पर और साथ ही देखते हैं कल, हालांकि काफ़ी हद तक प्राइस डिन था एयरटेल का जो प्राइस राइज, जो टेरिफ राइज है उसका, लेकिन कल जब ये होगा तो किस तरह बाजार रिएक्ट करता है। आज एक और बड़ी खबर आई और वो आई महंगाई की फ्रंट पर, क्योंकि देश की दो सबसे बड़ी FMCG कंपनियां ITC और HUL, इन दोनों ने ही अपने सामानों की कीमतें बढ़ा दी हैं। इसमें साबुन, वॉशिंग पाउडर से लेकर बर्तन धोने के साबुन तक हैं। कंपनियों का कहना है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से उन्हें यह फैसला करना पड़ रहा है। मेरी सहयोगी कृतिका मेरे साथ मौजूद हैं इस खबर पर और डिटेल देने के लिए।
काफ़ी सारी FMCG कंपनीज अपने प्राइसेस बढ़ा रही हैं ताकि वो इनपुट कॉस्ट सर्ज जो वो खुद देख रही हैं वो कस्टमर्स को पास ऑन कर सकें। इसी तरीके से HUL जो कि सेक्टर की मेजर कंपनी है उसने भी अपने कुछ प्रोडक्ट्स पे प्राइसेस बढ़ाए हैं और हमारे डीलर्स के मुताबिक ये प्राइस राइज जो है वो 3-10% की रेंज में है। किन प्रोडक्ट्स पे प्राइसेस बढ़ाए हैं वो हैं सर्फ एक्सेल ईजी वॉश, मैटिक, रिन, लक्स और विम बार, इनफैक्ट व्हील, कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर, जैसे कि सर्फ एक्सेल ईजी वॉश का हाफ kg पैक जो पहले 64 रुपीज़ का था अब वो 66 रुपीज़ का है, या फिर 3 kg पैक जो पहले 330 रुपीज़ का था वो अब 345 रुपीज़ का है। इसी तरीके से कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर का स्मॉल सैशे जो पहले 3 रुपये का आता था वो अब 4 रुपये का आ रहा है। तो अगर हमें याद हो HUL ने अक्टूबर में भी प्राइसेस बढ़ाए थे लेकिन वो प्राइसेस सिर्फ प्रीमियम कैटेगरीज में बढ़ाए थे जैसे कि पियर्स या सर्फ एक्सेल ईजी वॉश, लेकिन इस बार जो प्राइस इंक्रीज हुआ है नवंबर में वो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स पर है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पर है। ITC ने भी कुछ अपने प्राइसेस बढ़ाए हैं प्रोडक्ट्स पर और इसी न्यूज़ को कंफर्म करते हुए ITC ने कहा कि क्योंकि इनपुट कॉस्ट इतना बढ़ रहा है तो उन्हें ये प्राइसेस कस्टमर को पास ऑन करना पड़ रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर ज़्यादा एकदम से इंटायरली बर्डन ना हो इस कॉस्ट इंक्रीज़ का, लेकिन प्राइस बढ़ाना सिर्फ एक उनके लिए लास्ट रिजॉर्ट है जो कि उन्होंने लिया है। तो ITC और HUL दो बड़ी FMCG कंपनियां जिन्होंने दाम बढ़ाए हैं। रवि, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कंपनियों ने बहुत समय तक पहले ये एब्जॉर्ब करने की कोशिश की लेकिन अब लास्ट रिजॉर्ट पहले प्रीमियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़े और अब जो रेगुलर प्रोडक्ट्स हैं उनके भी दाम बढ़ रहे हैं, कंज्यूमर्स के लिए जाहिर तौर पर यह खबर अच्छी नहीं है, लेकिन क्या ये माने कि जो लोग इन कंपनियों के शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं उनको अब कुछ बेहतर परफॉर्मेंस FMCG शेयरों से दिख सकता है? फिलहाल तो अभी जो सिचुएशन है जिस हिसाब से अभी की जो बुक वैल्यू है और जो पीछे के जो रिजल्ट अभी सितंबर में देखने को मिले थे उससे क्लियर कट एक अंदाजा लगता है कि अभी भी बुक वैल्यू बहुत अच्छी नहीं होगी, थोड़े से लॉसेस अभी जो है वो रिकवर करने में टाइम लगेगा। तो शेयर धारकों के लिए भी बहुत अच्छी खबर नहीं है, जिस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर के लिए अच्छी खबर नहीं है वैसे ही मुझे लगता है कि अभी बिल्कुल थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर होगा, लेकिन ओवरऑल HUL की अगर सिर्फ बात करें तो पूरी तरह से स्टॉक में जो है वो दिख रहा है कि यहाँ पर मुनाफा वसूली भी चल रही है और उसका दबाव भी है, तो यहाँ पर अभी सेंटिमेंट डाउन है, फिलहाल इन्वेस्टमेंट की फ्रेश राय नहीं होगी। दूसरा ये भी होगा कि अगर इस स्टॉक में आपने लॉन्ग टर्म निवेश कर रखा है तो आने वाले 6 महीने तक अगर आप दूसरे सेक्टर या दूसरे स्पेस में जाते हैं तो ये स्टॉक आपको थोड़े से लोअर वैल्यूएशन पे और मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो भी निकलना चाहिए और अगर आप खरीदारी की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 5-6 महीने और रुकना चाहिए, 5-6 महीने और रुकना चाहिए HUL में, उसके बाद मौके मिलेंगे। देवांग, मैं आपसे अब ITC पर सलाह चाहूंगा, हालांकि हमने देखा है कि ये स्टॉक बहुत कम मूव करता है लेकिन पिछले कुछ दिनों में इसने अच्छा खासा मूव दिखाया है, आज भी ये स्टॉक करीब 1.5% ऊपर था, 230 के भाव पर, आपको लगता है कि ITC में फ्रेश एंट्री बनती है या अगर किसी के पास है तो उसे होल्ड करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए ITC में? आप ITC की बात करें तो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में हमने देखा है कि आफ्टर एक रैली के बाद करेक्शन देखा गया था स्टॉक के अंदर, नाउ ये करेक्शन उसने अपने प्रीवियस जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसको सपोर्ट करके वापस एक अपसाइड रिज्यूम किया है, तो यहाँ पे बने रहना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए 224 का और अपसाइड लेवल 240-242 तक स्टॉक जाता है, वहाँ प्रॉफिट बुक के लिए देखना चाहिए ITC के अंदर। ओके, 240-242 तक ये स्टॉक जा सकता है यहाँ से ITC में, हमने देखा बहुत ही लंबे समय के बाद ये स्टॉक थोड़ा सा मूव करता दिखाई दिया था पिछले कुछ दिनों में। चलिए आपको एक एक्सक्लूसिव खबर देते हैं, अगले बजट में LPG सब्सिडी में भारी कटौती हो सकती है। ईटीना स्वदेश को एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने सब्सिडी को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें सब्सिडी की मांग काफ़ी कम की गई है, यानी अब कंज्यूमर्स को आने वाले समय में सब्सिडी मिलने के आसार कम ही हैं। इस एक्सक्लूसिव खबर के और डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सरकार बजट की तैयारियां जो है वो शुरू कर चुकी है और सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिल रही है कि इस बार के जो आगामी बजट है उसमें LPG सब्सिडी की रकम में बड़ी कटौती जो है वो देखने को मिल सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने आगामी बजट में LPG सब्सिडी के आवंटन के तौर पर करीब करीब 6,000 करोड़ रुपए की ही मांग की है, जो कि पिछले साल के आवंटन के आधे से भी कम है। पिछले साल करीब 14,000 करोड़ रुपए का आवंटन सरकार ने LPG सब्सिडी के तौर पर किया था। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस महीने के आखिर में ये जो प्रस्ताव है औपचारिक रूप से वित्त मंत्रालय को सौंपा जाएगा।
दरअसल सरकार पिछले एक साल से एलपीजी सब्सिडी की रकम जो है वो कंज्यूमर को नहीं दे रही है। जिन इलाकों में दे भी रही है वो दरअसल एलपीजी सब्सिडी नहीं है बल्कि ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है, और खासकर पहाड़ी इलाकों के कुछ कंज्यूमर्स को इसका फायदा हो रहा है और ये रकम भी बेहद कम है। ऐसे में पेट्रोलियम मंत्रालय को लगता है क्योंकि कि जब सब्सिडी आउटगो है ही नहीं तो फिर ज्यादा रकम की उन्हें जरूरत नहीं है, और ये जो जिस रकम की मांग वो कर रहे हैं उसमें वो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की अदायगी वो कर सकते हैं। सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि अगर कभी ऐसा होता है कि अचानक रूप से एलपीजी की कीमतों में तेजी आती है जैसा कि अभी है, वैसी सूरत में सरकार कुछ रकम सब्सिडी की देगी, लेकिन वो भी सभी कंज्यूमर को नहीं, जो आर्थिक रूप से ज्यादा कमजोर कंज्यूमर्स हैं उन्हीं को इसकी रकम दी जाएगी, और इसके लिए सरकार एक दिशा निर्देश जो है वो जारी करेगी। जहां तक बाकी कंज्यूमर्स का सवाल है, उसके लिए रणनीति ये तैयार की गई, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं कि अगर कीमतों में अचानक तेजी आती है तो तेल कंपनियों को ये कहा जाएगा कि वो इसके भार को कुछ समय तक वहन करें, जैसा कि वो अभी कर रहे हैं। इस वक्त जो है पर सिलेंडर जो 14 केजी का सिलेंडर होता है उस पर तेल कंपनियों को करीब करीब 250 रुपए का घाटा हो रहा है, क्योंकि वो जितनी कीमतें हैं उसे पूरी तरीके से कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं। जब कीमतें कम होंगी तो फिर इसकी रिकवरी वो कर सकते हैं। एक तरफ जहां सरकार को इससे सब्सिडी की जो रकम है उसमें भारी बचत होती हुई दिख रही है, वहीं तेल कंपनियों की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। बिल्कुल रवि, एक और खबर जो कंज्यूमर के लिए तो बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती, लेकिन तेल कंपनियों की भी मुश्किलें जो हैं वो कम नहीं हो रही हैं। जैसा प्रकाश बता रहे हैं, करीब करीब 240-245 रुपए पर सिलेंडर का लॉस हो रहा है यहाँ पर अभी भी ऑयल कंपनीज को। हालांकि ये एक्सपेक्टेशन है कि ये बजट में कुछ होगा, लेकिन ये समस्या पिछले काफ़ी समय से चली आ रही है। क्या देखते हैं आप, किस तरह से इन कंपनियों को अब अप्रोच करना चाहिए जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं? और अगर फिर वही बात, अगर हमारा निवेश है, हमने शेयर में पैसा लगाया है, तो क्या करना चाहिए नेक्स्ट? देखिए, फिलहाल अभी जिस तरीके से पीछे के रिजल्ट्स यहाँ पर कंपनियों ने शो किए हैं, चाहे वो BPCL, HPCL, गेल, इन सभी रहे हो, इंडियन ऑयल, इनमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, और ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। डिविडेंड बेस्ड स्टॉक बहुत अच्छे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से भी अगर यहाँ पर स्टॉक में है आपका निवेश तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर करेक्शन नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी तरफ है कि सरकार ने पीछे अगर देखें तो लगभग 30% तक रेट जो है वो सब यहाँ पर गैस के बढ़ा चुकी है। पेट्रोल और डीजल में यहाँ पर क्लियर कट जो है वो अभी थोड़ा डिस्काउंट जरूर दिया गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी एनर्जी के जो यूजेज हैं उसका, जिस तरीके से मैं अभी बता रहा था कि अगर 2030 तक देखें तो लगभग डबल LPG का यूज हो जाएगा, तो यहाँ पर कंपनियों को लॉन्ग टर्म में आगे फायदा मिलेगा, और सरकार कहीं ना कहीं से जो बजट की बात हो रही है उसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर देखने को मिलेगा। इस बेसिस पे कंपनियों पे कॉन्फिडेंस फिलहाल कम नहीं किया जा सकता, और कंपनियों की परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छी है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आप अगर HPCL, BPCL, IOC में आपका निवेश है तो आपको बने रहना चाहिए। ओके, तो फिलहाल बने रहना चाहिए, HPCL, BPCL, IOC तीनों में ही कंपनी पर कॉन्फिडेंस अभी भी बना हुआ है रवि का। चलिए, वक्त हो गया है जानने का कि कल कौन से शेयरों पर आप लगा सकते हैं दांव। देखते हैं हमारे आज के VIP शेयर्स। देवांग, आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए कौन कौन से शेयर आइडियाज आप लेकर आए हैं हमारे दर्शकों के लिए आज। मैंने फर्स्ट रिकमेंडेशन रहेगा भारतीय एयरटेल पे। भारतीय एयरटेल में देखा है कि जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी पॉजिटिव है, हाइट ऑफ हाइट बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में, शॉर्ट टर्म चार्ट हाइट ऑफ हाइट बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में। ओवरऑल हमें लगता है कि अभी भी अपसाइड इंटैक्ट है भारतीय एयरटेल में। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 748 का, टारगेट 793 का रखना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है ONGC। ONGC हमने देखा है पास्ट फ्यू डेज में कंसोलिडेशन किया, उसके बाद हमने आज पास्ट दो दिन में देखा है कि मूव देखा गया है। हमें लगता है कि ONGC में अभी भी अपसाइड इंटैक्ट है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है ONGC में 151 का, टारगेट रखना चाहिए 162 का। तो भारतीय एयरटेल और ONGC, ये दो वो स्टॉक हैं जिसमें आप बाय कॉल लेके चल सकते हैं। रवि, आपका कौन सा आइडिया होगा आज? देखिए, मेरे दो आइडियाज हैं यहाँ पर। पहला तो गेल है, और चूंकि अभी चर्चा भी उसी से रिलेटेड हो रही, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसमें एक अपवर्ड मोमेंटम है, और 155 रुपए तक का आने वाले 2-3 महीनों में ये लेवल देखने को मिल सकता है। बुक्स अच्छी हैं, नंबर्स अच्छे हैं, ईयरली रिटर्न अच्छे हुए हैं, तो एक इन शॉर्ट अपसाइड का टारगेट मोमेंटम यहाँ पर काफी अच्छा है। दूसरा स्टॉक यहाँ पर है इन्फोसिस, क्योंकि इन्फोसिस में देखिए इस समय रुपी जिस हिसाब से वीक हो रहा है उसका फायदा इन्फोसिस को मिलेगा, और जो प्रोजेक्ट यहाँ पर अभी इन्फोसिस
कर रहा है उसमें भी काफी अपवर्ड मोमेंटम के चांसेस बन रहे हैं। तो फाइनेंशियल्स यहाँ पर काफी अच्छे इसके भी नजर आ रहे हैं। ओवरऑल एक साल में देखें तो 54% का रिटर्न, 3 साल में एक लार्ज कैप स्टॉक में 170% का रिटर्न। तो अभी जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा और बढ़ सकता है और ओवरऑल जो लेवल है वो 1850 तक आने वाले 3 महीने में देखने को मिल सकता है। लेकिन कल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दोनों स्टॉक अगर बाय करके चलते हैं तो मुझे लगता है कि 1.5 से 2% तक की रैली आपको इन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। ओके तो कल के लिए भी ये आइडियाज हैं और लंबे समय के लिए भी गेल और इंफोसिस, ये दो वो स्टॉक हैं जो रवि को पसंद आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज कार्यक्रम में शामिल होकर अपने व्यूज देने के लिए और अपने पिक्स देने के लिए भी। चलिए वक्त हो गया है कल की तैयारी की, पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे मेड इन इंडिया। We'll be right back.